बड़ी खबर हमें मिल रही है, ऋषि कुमार शुक्ला केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के नए डायरेक्टर होंगे। सिलेक्शन पैनल की सिफारिश पर नियुक्ति मामलों की कैबिनेट कमेटी ने ऋषि कुमार शुक्ला को सीबीआई का नया डायरेक्टर अपॉइंट यानी नियुक्त कर दिया है। उनका कार्यकाल नियुक्ति के दिन से 2 साल के लिए है। ऋषि कुमार शुक्ला आपको बता दें 1983 बैच के आईपीएस अधिकारी, वो मध्य प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करते हैं मेरे संवाददाता जितेंद्र शर्मा का। जितेंद्र, डिटेल्स। ऋषि कुमार शुक्ला जो कि एमपी कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं, 1983 बैच के ऑफिसर्स हैं, उनको सीबीआई का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। वो इससे पहले एमपी के भी डीजीपी रह चुके हैं। 2016 में उनको एमपी का डीजीपी बनाया गया था और अब हालांकि क्योंकि नई सरकार आई है तो उसके बाद से वो डीजीपी नहीं थे, किसी और को डीजीपी बनाया गया, लेकिन हाई पावर कमेटी ने उनके नाम का चयन किया है। सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स के अंदर वो आते हैं। 1982, 83, 84 और 85 बैच के जो आईपीएस ऑफिसर्स थे उनके नामों के बीच में से ऋषि कुमार शुक्ला का चयन किया गया है हाई पावर कमेटी में, जो कि प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इन तीनों ने ऋषि कुमार शुक्ला का नाम का चयन किया है और जिस दिन से वो चार्ज लेंगे उससे लेकर के 2 साल तक के लिए उनकी नियुक्ति रहेगी। जी तो जितेंद्र, 2 साल के लिए क्या कहें, बीते दिनों में हमने जो सीबीआई को लेकर विवाद देखा था, क्या अब उस पर हम कह सकते हैं फुल स्टॉप लग गया है? बिल्कुल सही कहा आपने अदिति, जो पिछले दिनों जो विवाद था सीबीआई के अंदर जिसमें जो डायरेक्टर थे सीबीआई आलोक कुमार वर्मा उनको वहां से डाइवर्स कर दिया गया था और उनको डीजी फायर सर्विस एंड सिविल डिफेंस के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन जिस तरह से विवाद था वो विवाद अब छट चुका है क्योंकि 31 जनवरी को किसी भी तरह से जो पुराने डायरेक्टर सीबीआई थे उनकी वैसे भी उनकी रिटायरमेंट थी, लेकिन उससे पहले ही विवाद के कारण उनको पद से डाइवर्स कर दिया गया था और उसके बाद से ही नए डायरेक्टर के चयन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। काफी लंबी लिस्ट थी, उसी लंबी लिस्ट से ऋषि कुमार शुक्ला का नाम फाइनल किया गया है और अभी कुछ देर पहले ही सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, यानी कि ऑफिशियल कंफर्मेशन सरकार ने निकाल दी है और अब ये कह सकते हैं कि जो विवाद था जो इससे पहले चल रहा था वो सब हट चुका है। अब अंतरिम डायरेक्टर जो है जो उसको लेकर के भी विवाद था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका चल रही थी, वो सब विवाद का निपटारा अब हो चुका है। शुक्रिया जितेंद्र शर्मा इस बड़ी खबर के लिए। तो अपने दर्शकों को बता दें ऋषि कुमार शुक्ला केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के नए डायरेक्टर होंगे।